राम राम सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह से। सुबह के बज रहे 8:30 बजने वाले हैं और अभी जा रहे हैं हम खेतों में। ये मेरा गांव है और सबके घर ऐसे ही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। मस्त अभी भी हमने अपनी पुरानी ट्रेडिशनल वो संभाल के रखा है। गांव में मैक्सिमम लोगों के घर ऐसे ही हैं और धूप भी आ गई है पीछे, इतनी सुंदर धूप खिली हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये हमारे राजमा का खेत है जिसमें कि बहुत अच्छे राजमा हुए हैं इस बार, पर थोड़े अभी कच्चे ही हैं तो इन्हें लास्ट नवंबर में निकालेंगे। और ये मम्मी और काशू, ऐसे घर होते हैं कुछ, आपको बाद में दिखाऊंगी। आते टाइम अब तो हम लास्ट में पहुंच गए थे। और ये मक्की का खेत है, यहाँ पर थोड़ी कच्ची है, गांव वालों ने बीजी है इस नज़दीक वाले खेत में। और नीचे भी घास के खेत हैं, अरबी के पत्ते लगे हुए हैं साथ में। गांव में तो सब कुछ मिलता है देखने के लिए। और ये खूबसूरत नज़ारा ब्रोट वैली का, ये यहाँ पर अरबी की खेती की गई है सभी ने। ये साथ वाला खेत हमारा नीचे वाला है, ये हरा ग्रीन ग्रीन जो है इससे नीचे वाला खेत हमारा है। और काफ़ी लोगों ने इधर अरबी की खेती की हुई है, सब करते हैं, मतलब सबके एक दो दो खेत तो बीजे ही रहते हैं अरबी के। और बहुत अच्छी अरबी होती है। ये साथ में जो पत्ते दिख रहे हैं ना, इससे हिमाचल की फेमस डिश पतरोड़ बनते हैं, जो कि अभी थोड़े ख़राब हो गए हैं। अगर बीच बीच में निकाले तो बन सकते हैं, पर हमें तो इतना पसंद नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। ये हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे सुबह ही उठ के काम में चले जाते हैं और हम आलसियों की तरह सो रहे हैं। देखो इतने सारे अरबी के पत्ते और भी बीजे लोगों ने, उस वाली तरफ मैं दिखाऊंगी। इस तरफ भी लोगों ने काफी अरबी के पत्ते बीजे हुए अपने खेतों में, हमने तो नहीं बीजा इस तरफ, हमने उसी तरफ बीजे हुए हैं। तो देखने में अच्छे लगते हैं ऐसे और खाने में भी टेस्टी होते पत्ते भी और अरबी की सब्जी भी। और ये सड़क बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है और ऐसा ऐसा है यहाँ का नेचर, बिल्कुल ही नेचर में है। आप आओगे तो कभी देखना, बिल्कुल डीपली घूमना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्रोट में। हम आज जा रहे हैं आलू निकालने, यहाँ पर आलू का काम भी चला हुआ है। हमारा तो बस एक ही खेत बचा हुआ है तो बस उसे निकालेंगे। और काफ़ी दूर होते हैं खेत गांव में, हमारे तो स्पेशली ब्रोड गांव वालों के खेत इतने दूर दूर तक, इतने दूर तक ज़मीन फैली हुई है ना, जहाँ पर आपको डैम दिखते हैं वहाँ से लेकर 0 पॉइंट बोलते हैं वहाँ तक हमारे खेत फैले हुए हैं। तो बस अब आलू निकालेंगे एक खेत, उसके बाद आएंगे घर। तो पहले पहुँचना भी पड़ेगा जहाँ आलू का खेत है। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ और इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना रास्ते के बीच में, आपका दिल करेगा आप यहीं रह जाओगे, रहने का मन हो जाएगा। मतलब ये पानी का टैंक है, पर ये पानी गांव को नहीं जाता है, ये वाला पानी जाता है नीचे वाले, नीचे जो बना है ना थोड़ा बहुत उधर जाता है। और यहाँ खेतों को भी यहीं से भर के लेते हैं पानी, बिल्कुल नेचुरल पानी है और बिल्कुल अच्छा पानी होता है। पहाड़ों में तो ऐसे ही पीते बिना फिल्टर से ही, ऐसा ऐसा है। और सामने वाले पहाड़ देखो भाई। अभी मैं अपने खेतों में पहुंच गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ आलू के खेत कैसे होते हैं। और साथ में खट है तो खट की आवाज़ भी आ रही, तो मैं रिवर दिखाती हूँ, उल रिवर साथ में बह रही है। ये नीचे साथ में उल रिवर बह रही है जो कि ब्रोड वैली में बहती है। और ये आलू के खेत हैं, ये लोगों ने निकाल दिया है। ये नीचे वाला खेत भी हमारा है, आधा निकाल दिया। मैं दिखाती हूँ कैसे आलू के खेत होते हैं और कैसे आलू को निकाला जाता है। ये आलू के खेत हैं और ये साथ में घास भी होता है, लगता नहीं आलू बीजे हैं। पहले इस घास को काटते हैं फिर आलू को निकालना पड़ता है। यहाँ से काट लिया, ये गंदा घास है जो सड़ गया है, जो अच्छे वाला है वो निकाल के यहाँ से ऐसे रखा जाता है। और ये हमारा लिटिल डॉग है। साथ साथ सरसों बीजी जा रही है, ये सरसों है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस इसके ऊपर फेंकना होता है और आलू निकालते और बस बो गई, इसे भी बो दिया, मतलब समझ लो ज़्यादा काम नहीं होता। जब सरसों हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी। और बस ऐसे हम सरसों बीजते हैं, बस ऐसे ऐसे फेंकी जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको आलू कैसे निकाले जाते हैं, ये इसीलिए क्योंकि धूल लग जाती है बहुत दिन बाद, उसे बीमार हो जाती है धूल की वजह से। तो दिखाते हैं आलू कैसे निकालते हैं। और इतना ज़्यादा आलू तो नहीं निकल रहा इस बार, ये लास्ट ही खेते हैं तो निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरह से आलू निकाला जाता है, काशु आपको निकाल के दिखाएगी। एक आलू फेंक दिया इसमें नीचे, ये रहे आलू। और इन्हें यहाँ पर टोकरी में फेंका जाता है ऐसे,
ऐसे आलू को निकालते हैं ऐसे, और उधर टोकरी में फिर बोल मम्मी पापा और काशो आलू निकाल रहे हैं और मैं काटूंगी ये वाला घास, आधा मैंने निकाल के इधर रख दिया काट के मतलब, और ये काटूंगी उधर तक। चलो काटते तो आप देखो। ये घास काट लिया, काफी लंबा लंबा है, उनको बांधने ही नहीं आता है, ये मम्मी बांधेगी इन्हें, बस मैंने काट के फेंक दिया है यहाँ पर। ये अभी भी लगे हैं और ये आलू फेंके हुए इधर, इन्हें आलू को भरेंगे बोर में। इस बोरी में भर दिए हैं पहले ही आलू, मतलब इस बार आलू काफी कम है, साइज भी ओके ओके, ज्यादा छोटा भी नहीं है ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा नहीं निकल रहे आलू। इस खेत में हमारे 4 से 5 बोरी आलू निकलते थे और इस बार सिर्फ एक, ये आधा पहले निकाल दिया था, आधा सा और होगा, बस इतने ही आलू निकल रहे हैं, आलू बहुत कम है इस बार। चलो काम करते हैं पहले फिनिश, फिर मिलते हैं आपसे। आलू हमने निकाल दिए, बस एक ये बोर हुई और ये थोड़ा सा ये और थोड़ा सा उधर भर रहे काशू और पापा, और मम्मी इधर घास बांध रही है, बस घास को अब रस्सी में भरेंगे और फिर ले जाएंगे घर। पापा ले गए आलू की बोरी और हम लेंगे घास, ऐसे भरते घास को, ज़्यादा तो नहीं उठाया जाएगा, थोड़ा सा ही, 4-5 पुल्ले। ये मेरे लिए भर के रखा है घास, ये मैं लेके जाऊंगी, ये पीछे वाला काशु लेके जाएगी, काशु का है, ये मेरा है। घास वगैरह रख दिया हमने अपने इधर वाले घर में और अब हम जाएंगे नीचे, नीचे हमने मक्की भी उठानी और खाना भी नीचे ही बनाएंगे आज, तो चलते नीचे की तरफ। अभी मैंने बाइकी, अभी इमली बाइकी, मैंने इमली ली, मैंने जो गांव गांव में नहीं आते वो ऐसे घूमे होते हैं वहां से इमली ली, वो भी चलते हैं सीधे नीचे फिर अपना। चिंटी 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 चिंटी, खाना तो बन ही गया है, शम भैया ने बना दिया है खाना, कुकर में चढ़ा दिया चावल और साथ में दाल भी बन गई है, दाल भी बन गई है, ये बस तो चावल बनने की देरी है, थोड़ी देर में चावल बन जाएंगे और उसके बाद खाएंगे अपना खाना। छेटो बदतमीज नहीं का, इमली खा गई, मेरी हालत कुछ और मेरे हाथ भी कुछ ऐसे हुए लाल पीले से, और शम भैया भाग गए हैं, देखिए बहुत शर्माते हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया खाना हम बाद में खाएंगे, पहले हम मक्की को उठा लेंगे, और मेरे लिप को थोड़ा इग्नोर करना, मैंने इमली खाई है ना तो इस वजह से ऐसे हो गए, मेरे को खुद को देख के बहुत हंसी आ रही है। छोड़ बड़े चलते हैं ऊपर यार, मक्की उठाते हैं पहले यार, बहुत गंद पड़ा हुआ ना, ऐसे गंद गंद सा हो गया सब जगह, तो सफाई जरूरी होती है, हम यहीं से जाएंगे शॉर्टकट ऊपर। इसको भी उठाएंगे क्योंकि परे वाली तरफ फेंकेंगे,
और फिर ये मक्की तो हमने आधी कल रात को भरी थी ये वाली, और उधर चढ़ाएंगे उस वाली सामने वाली छत में, वहाँ बढ़िया धूप लगती है, तो ये सूखेगी, फिर इसे अलग करेंगे बाद में। तो पहले तो हम इसे ही निकाल के, ये इसे करते पहले और इसे उधर रखते हैं, ये वाला सूखा सूखा मक्की का ये घास। ये बहुत छोटी मक्की है, गाय को ऐसे कच्ची खिलाएंगे इसे, तो इसलिए इसे इधर रखा गया है। तो ये है, तो पहले मैं नीचे से एक बोरू ले आती हूँ, उससे फिर रखेंगे इसे उधर। सामने पड़ोसियों ने भी उधर अपने मक्की इधर ही रखी है, इनकी थोड़ी कम है तो इन्होंने इधर रखी, इनकी जल्दी सूख जाएगी, हमारी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इधर भी है इधर भी है, तो हमें उधर छत में चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हम भी ऐसे ही रखते, पर ऐसे रखे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें चढ़ानी पड़ेगी, हमारी बहुत ज़्यादा मक्की है, तो भरते हैं इन्हें। इधर था वो तो हमने उधर रख दिया परे वाली तरफ, जो फिर ये वाला है इसे भी उठाना पड़ेगा, बहुत घास है, इसे गाय के लिए स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए, तो इसे सुखाते हैं, फिर गाय के लिए थोड़ा अलग अलग खाना हो जाए, खाने के लिए मतलब अलग अलग घास रखते हैं, मतलब जैसे इंसान के लिए खाना अलग अलग होता है, वैसे गाय के लिए भी सर्दियों के लिए अलग अलग खाना होता है, अलग अलग घास, मतलब वेराइटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो बस चलो इन्हें उठाते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ कहाँ फेंक रहे हैं हम, इस तरफ फेंक रहे हम इसे, वहाँ से ला रहे हैं और इस तरफ फेंक रहे हैं, तो फेंकते हैं सारा ही कंप्लीट करते पहले। पापा चले गए अभी बाजार तक, तो हमने ये वाला जो मक्की का घास था ये वाला, ये हमने पहले वाली तरफ रख दिया, तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने। ये हमारा खाना निकल गया और बस अब खाते हैं और बैठते हैं आराम से, चिंटू भी खाना खा रहा है अपना, खाना खाते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं। खाना तो खा लिया, बस अब मक्की उठाते हैं सबसे पहले, और थक गए अब तो फिर नहाएंगे फिर रेस्ट करेंगे। जो हमने बोरू भरे थे वो हमने उधर आधे फेंक दिए, मतलब ऊपर मक्की चढ़ा दी, और फिर से हम इन बोरू को ले आए और इन्हें फिर से भरेंगे और फिर उधर चढ़ाएंगे, बहुत टफ है ये काम। ये नीचे बोरा रखा है, शम भैया ले जाएंगे इसे ऊपर ऐसे, शम भैया तो बाहुबली की तरह ले जा रहे हैं ऐसे, मतलब इतना ऐसे मतलब हल्के में, बस इसे रखेंगे इधर। और मेरे को तो लग रही डर भाई, मेरे से तो नहीं चढ़ा जाते इन पौड़ियों में, मेरे तो पैर कांपते हैं बस। तो मैं और दादी ने भर रहे हैं इधर, हमने मक्की सारी चढ़ा दी ऊपर, और बस ये कचरा समेटेंगे अभी। और जो ये है ये भी मक्की से निकलते हैं, ये वाले काले काले से बाल बोलते हैं हम इसे, इन्हें भी अलग रखेंगे, और ये वाली गाय के लिए है। तो बस अब इसे झाड़ू लगाते हैं यहाँ पर सबसे पहले, हम भूतों की तरह शक्ल लग रही, पर क्या करना यार, दिन भर काम तो सुबह से काम कर रहे हैं, अभी तक काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो टाइम भी नहीं मिला है कुछ भी, पौधों का ध्यान भी नहीं रखा जाता आजकल, इतने बिजी होते हैं, खास कर पानी दे रही इन्हें, ये बहुत ज़्यादा प्यासे थे। इतना सुंदर, कल एक बहुत सुंदर फूल लगा था इसमें जो हमारी गाय खा गई। अब नहाएंगे क्योंकि क्योंकि हम सुबह से नहाए नहीं है, नहाते मिलते आपको। मेरा नहाना भी हो गया अभी, अभी मैं फोन लगाऊंगी चार्जिंग में, बैटरी थोड़ी कम है
और फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करना है यार, सुबह के जैसे काम ही कर रहे हैं। 5% बैटरी बची मेरी, सच बताऊं तो बस अब मैं फोन चार्जिंग लगाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो थोड़ा फोन को भी रेस्ट देते हैं, इसे चार्जिंग होने देते हैं। बस काशु का नहाना हो गया, मेरा भी रेस्ट हो गया थोड़ा सा, और चिंटू तो ऐसा आवारा सा ये भागता रहता है, क्या बताऊं इसका। और फिर अब जाएंगे हम ऊपर अपने गांव वाले घर। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।